और इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको राजधानी भोपाल से, जहां पर आज मंदसौर जाएगा केंद्र का दल। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय टीम आ रही है और गांधी सागर डैम का निरीक्षण करेगी। आपको बता दें कि कल ही गांधी सागर डैम के गेट खोलकर काम किया गया था और अब जलस्तर की जांच करेगी, कहीं डैम में फूट तो नहीं पड़ रही है, इसलिए केंद्र की टीम बुलाई गई है और केंद्र की टीम अब मंदसौर में गांधी सागर डैम का निरीक्षण करेगी। वहीं राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय टीम आ रही है और खतरे की जांच करेगी। वहीं पर कल गेट खोलकर डैम का जलस्तर कम किया गया था। एक बार फिर से बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको राजधानी भोपाल से, जहां पर आज मंदसौर केंद्रीय दल आएगा। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय टीम आ रही है और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज केंद्रीय दल मंदसौर आएगा गांधी सागर डैम का निरीक्षण करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? देखिए, निश्चित तौर पर जो अगर हम मंदसौर की बात करें, संजीता जो इंदिरा सागर बांध है उसको लेकर लगातार ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो लगातार बारिश से जो डैम है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है और ऐसे में मंदसौर के पूरे क्षेत्र में ये आशंका जताई जा रही है कि अगर डैम में किसी तरह की दरार है या उसके टूटने का जो खतरा है, अगर ऐसा होता है तो काफी तबाही उस क्षेत्र में हो सकती है और ये लगातार चर्चा का विषय वहां पर बना हुआ है और यही कारण है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इस बाबत मदद की बात की और आज केंद्रीय दल जो है वो जांच के लिए मंदसौर पहुंच रहा है और इस डैम की जांच करेगा कि वाकई इस लगातार बारिश से जो डैम है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, इससे कुछ नुकसान की संभावना है। अगर किसी भी तरह की कोई उसमें गड़बड़ी होती है तो फिर केंद्रीय जांच जो दल है वो इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगा और कहीं ना कहीं इस पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी पूरी तरीके से पुख्ता नहीं है कि आखिर डैम में टूट फूट हुई है या डैम को कुछ नुकसान हुआ है या डैम में दरार पड़ी है। कल की बात करें तो जब ये पूरा क्षेत्र में मंदसौर क्षेत्र में जब इसको लेकर बाजार गर्म गर्म था, चर्चा लगातार हो रही थी, तो इसके बाद डैम के गेट खोलकर कुछ पानी का जो जल स्तर है वो कम किया गया था कि जिससे कि अगर कुछ वाकई इस तरह की स्थिति है कि डैम में टूट फूट है तो उसको रोका जाए। लेकिन आज केंद्रीय जांच दल जो है वो सुबह आज पहुंच रहा है और पूरे डैम की वो जांच करेगा और केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगा। संजीता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो आज केंद्रीय दल मंदसौर पहुंच रहा है और राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय टीम मंदसौर जाएगी और गांधी सागर डैम का निरीक्षण करेगी कि कहीं डैम में किसी तरीके का खतरा तो नहीं है, अगर खतरा पाया गया तो तुरंत ही उसका समाधान भी निकाला जाएगा। और आपको बता दें कि कल ही डैम का गेट खोलकर जलस्तर उसका कम किया गया था।